आज सम्यक चारित्र पर, चारित्र यानी क्या? त्याग की भावना, नियमों में मन को बांध करके रखना, अपनी इंद्रियों को वश में कर करके रखना। जो इंद्रिया हमें भगाती है, जो इंद्रिया हमें परेशान करती है, जो मन हमें भगाता है, वो मन को काबू में करके रखना, ये चारित्र। एक चीज समझ लेना, आप संसारी हो, आप अब रजोहरण लेकर के शायद चारित्र न ले पाओ, लेकिन शास्त्रकार भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मात्र चारित्र की यही व्याख्या नहीं है कि रजोहरण प्राप्त कर लेना, संयम ले लेना, दीक्षा ले लेनी, यही मात्र चारित्र नहीं है, लेकिन शास्त्रकार भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि समझ लेना, निश्चित तौर पर आप जहां रहते हो वो चीजों के साथ इतना बंध नहीं जाना, इतना जुड़ाव नहीं कर लेना, इतना ममत्व का भाव पैदा नहीं करना कि वो जब आपके हाथ से चली जाए, वो जब आपके पास से निकल जाए तो आप व्यथित हो जाओ, आप दुखी हो जाओ, ये ममत्व नहीं बनाना, यह भी तो चारित्र है। त्याग की भावना को ही चारित्र कहा गया, सैक्रिफाइस की भावना को ही चारित्र कहा गया, छोड़ने की भावना को ही चारित्र कहा गया। और मैं तो आपको यहां तक कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर जीवन में समझ ले, संसार में तृप्ति त्याग से ही होती है, भोग से आज तक न किसी को तृप्ति हुई है, न किसी को तृप्ति होने वाली है। संसार में जितने भी लोग हैं, आप जिसका जितना अनुभव करना चाहो कर सकते हो, आप जिसको पूछना चाहो पूछ सकते हो, भोग से संसार में कभी किसी को तृप्ति नहीं। कितना ही मनपसंद भोजन कर लिया हो, लेकिन 3 घंटे बाद वापिस भूख लग ही जाएगी, तृप्ति नहीं मिलेगी। कितनी ही मनपसंद प्रशंसा सुन ली हो, लेकिन कान ये कहेगा कि मुझे और अच्छा सुनना है, और मेरी प्रशंसा सुननी है। जीवा ये कहेगी कि मुझे और भोजन चाहिए, अरे आप पूरे तृप्त हो गए हो, पूरा आपका पेट भर गया हो, पूर्ण रूप से आपको तृप्ति प्राप्त हो गई हो, लेकिन फिर भी घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, अरे मैक्सिमम 24 घंटा, उसके बाद में आपका पेट, आपकी जीवा ये कहेगी कि मुझे स्वादिष्ट भोजन चाहिए। शास्त्रकार भगवान कहते समझ लेना, जीवन संसार में जिस जिसको तृप्ति प्राप्त हुई है वो मात्र मात्र त्याग से हुई है, भोग से आज तक न किसी को तृप्ति प्राप्त हुई है और न भविष्य में किसी को होने वाली है। भोग से कभी तृप्त नहीं हो सकता, आदमी त्याग से ही तृप्त होगा। आप राजा बन जाओ, आप महाराजा बन जाओ, आप सिकंदर बन जाओ, आप सम्राट बन जाओ, आपको तृप्ति नहीं। जिसको बहुत कुछ चाहिए वो कभी तृप्त नहीं हो सकता, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही तो तृप्त हो सकता है। इसीलिए हमारे यहां दुहा लिखा गया कि चाह नहीं चाहत नहीं मनमा बेपरवाह। तृप्ति कब हो जीवन में, कब शांति की अनुभूति हो, कब जीवन में ये लगे कि बहुत हो गया, अब ज्यादा नहीं भागना, अब ज्यादा नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे यहां पे लिखा गया कि चाह नहीं चाहत नहीं मनमा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही सहनसार। राजा कौन, सम्राट कौन, सहनसार कौन, जिसको कुछ नहीं चाहिए। अरे जिसको बहुत कुछ चाहिए वो तो भिखारी है, वो तो मांगते रहता है, संसार में जहां जाए वहां मांगते रहता है। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझ लेना, जीवन में ये दिमाग में बिठा करके रखना कि संसार में जितनी तृप्ति होगी मात्र मात्र त्याग से होगी, भोग से कभी तृप्ति नहीं। अरे ये त्याग हमें दुनिया जिता सकता है। त्याग की भावना जिसके भीतर हो, चाहे संसार में आप रह रहे हो, फिर भी त्याग की भावना आपके भीतर होनी चाहिए। चाहे धर्म के क्षेत्र में आप हो, फिर भी त्याग की भावना आपके भीतर होनी चाहिए। त्याग ही हमें दुनिया जिता देता है, त्याग ही हमें सफल बना देता है, त्याग ही संसार में हमें अच्छा व्यक्ति बना देता है। ये त्याग की ताकत। आप दुनिया जीतना चाहते हो तो 3 सूत्र बराबर समझ लो। त्याग के क्षेत्र आपको यदि त्याग करना आ गया, आपको यदि कंट्रोल करना आ गया, तो निश्चित तौर पर आप दुनिया जीत सकते हो। आपके पास रही हुई 3 चीजों पर आपने यदि काबू पा लिया तो समझ लो आपने दुनिया जीत ली। हमारे भीतर है जो कुछ है, हमारे पास है,
कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कहीं बाहर दौड़ने की जरूरत नहीं। कहते हैं कि तृप्ति की भावना भी तेरे भीतर है और कहीं जाने की जरूरत नहीं। भीतर से तो तृप्त हो गया, भीतर से संतोष नाम का गुण तेरे जीवन में आ गया, तुझे तृप्ति मिल जाएगी। और संतोष नहीं है दुनिया भर के भोग भुगत ले, फिर भी रहेगा कि और थोड़ा बाकी है। कहा कि तीन चीजों पर काबू पालो यदि दुनिया को जीत, अपने आप को जितना है, संसार को जितना है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है। इसीलिए कहा कि दुनिया को जीतनी है, दुनिया में सफलता प्राप्त करनी है, तीन चीजों पर काबू पालो। कहा सबसे पहला कंट्रोल अपने मन पर। जो व्यक्ति ने मन पर काबू पा लिया उसने दुनिया जीत ली। दुनिया को जीतने के लिए पुरुषार्थ बाद में, मेहनत बाद में, परिश्रम बाद में, हर चीज बाद में। सबसे पहली चीज है आपके मन को जीतना। आपके मन के ऊपर आपने यदि कंट्रोल कर लिया, आपके मन के ऊपर आपने यदि काबू कर लिया, आप दुनिया को जीत सकते हो। उसमें दो राय नहीं है, मन के ऊपर काम करना पड़ेगा। कहा दुनिया जीतनी है, खुद को जीतना है, खुद को जानना है, खुद को समझना है, धर्म में आगे बढ़ना है, संसार में आगे बढ़ना है, परिवार को सुचारू रूप से चलाना है, चाहे कुछ भी करना हो, आपको तीन चीजों पर काबू पाना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति का आप समझ लेना, आप संसार में बैठे हो फिर भी मैं कहता हूं कि यदि तीन चीजों पर आपने काबू पा लिया है तो आप सम्यक चारित्र के क्षेत्र में शुभारंभ कर चुके हो, ये निश्चित तौर पर समझ लें। अपने मन पे काबू, मन पे काबू यानी विचारों पे काबू, विचारों पे काबू यानी मन पे काबू। कहा जो व्यक्ति अपने मन को थोड़ा सा भी साध लेता है, क्योंकि हमारे यहां तो यहां तक लिखा गया कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। वो एक क्या है? वो मन है और कुछ नहीं है। वो एक क्या है? हमारे विचार है और कुछ नहीं है। मन को साध लो और किसी की साधना करने की जरूरत नहीं है। ऋषि ने कहा कि तीन चीजों पर यदि आपका काबू है तो निश्चित तौर पर आप दुनिया जीत सकते। पहले नंबर में किसके ऊपर? मन के ऊपर। कहा दूसरे नंबर में आपकी आंखों पे आपका काबू होना चाहिए। एक चीज समझ लेना, आंख ही एक ऐसी चीज है जो हमें संसार से जोड़ती है। जिस दिन आंखें बंद हो जाए आदमी भीतर डूब जाता है। आंख ही ऐसी चीज है जो आपको संसार के साथ कनेक्ट करती है। मैं आंख को देख सकता हूं, आप मुझे देख सकते हो आंख के कारण, और कोई स्रोत हमारे पास नहीं, इतना सटीक स्रोत हमारे पास नहीं। आदमी सुनने से थोड़ा बहुत समझ सकता है, लेकिन आंखों से जो सूक्ष्मता से देख सकता है वो और कोई इंद्रिय ऐसा काम नहीं कर सकती। आपने कैमरा देखा होगा, हर मोबाइल में कैमरा होता है, पीछे एक ग्लास लगा हुआ हो। उसको बंद करने के बाद में कैमरा कोई काम का नहीं रहता। इसी तरह से हमारे पूरे शरीर में ये दो ग्लास लगे हुए हैं। इसको जिस दिन बंद करना हमें आ गया, इसको संभालना आ गया, इसको काबू में करना आ गया, समझ लेना आप दुनिया को जीत लोगे। ये आंख ऐसी है जो हमें दुनिया के साथ में जोड़ करके रखती है, हमें दुनिया के साथ में कनेक्ट करके रखती है। इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा निश्चित तौर पर समझने की कोशिश करना, दूसरा काबू यदि पाना है तो अपनी आंखों के। क्या देखना क्या नहीं देखना यह हमें पता होना चाहिए। ऑप्शन तो आपके सामने बहुत आएंगे, बुरे भी आएंगे अच्छे भी आएंगे। कोई परमात्मा की स्तवना कर रहा होगा ये भी आपको दृश्य दिखाई पड़ेगा, और कोई किसी को मार रहा होगा ये भी आपको दृश्य दिखाई पड़ेगा। ये संसार यहाँ हर चीज अवेलेबल है आपकी आंखों के सामने, अच्छाई भी आएगी बुराई भी आएगी, लेकिन हमारा फोकस कहाँ रखना, हमें फोकस कहाँ करना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ अभी अभी जो नई कैमरे की टेक्नोलॉजी आई है उसमें यदि आप एक चीज पर फोकस कर लो तो बाकी की चीजें ब्लर हो जाती है, वो दिखाई नहीं पड़ती। इसी तरह से शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि अच्छी चीजों पर यदि हमारा फोकस पूरा है तो बुरी चीजें अपने आप ब्लर हो जाएगी, वो नहीं दिखाई पड़ेगी। हमें बहुत कुछ सीखना है हमारे जीवन में, अच्छी चीजों पर फोकस करना हमें यहां गया। हम सीखे कैमरे से कुछ सीखे, पूरा दिन फोटो निकालते हैं, हम कुछ सीखे उसके भीतर से यदि किस अच्छी चीज पर फोकस करना। हम यदि कैमरा कोई एक चीज पर फोकस कर लेता है तो आसपास की सभी चीजों को ब्लर कर देता है। इसी तरह से शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि निश्चित तौर पर समझना आपको यदि अच्छाई पर फोकस करना आ गया तो बुराई अपने आप ब्लर हो जाएगी, ब्लर करने की जरूरत भी नहीं।
वो धुंधली हो जाएगी, वो दिखाई नहीं पड़ेगी, वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगी यदि अच्छाई पर हमें फोकस करना आ गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि समझ लेना हमारी आंखों में ताकत है हमारे जीवन को बदल। इसलिए आंखों को संभालो, आंखों को संभालना बहुत जरूरी है। का पहला काबू हमारे मन पर, दूसरा काबू हमारी आंखों पर, और का तीसरा काबू हमारी जीवा पर, हमारी जीभ पर। का ये तीन चीजें हमारे जीवन को चलाती है, ये तीन चीजें हमें त्याग करने से रोकती है, ये तीन चीजें हमें जीवन में परेशान करती है, और यही तीन चीजें हमें ऊर्ध्वगमन करवा सकती है, यही तीन चीजें हमें सदगति में भेज सकती है, यही तीन चीजें हमारे जीवन को सफल बना सकती है। ये तीन चीजों में बड़ी गजब की ताकत है। का के पहला काबू विचारों पर, दूसरा आंखों पर, क्योंकि पहले यदि आपने आंखों पर काबू पा लिया लेकिन विचार ग्रसित है, विचार दूषित है, तो आंखों का काबू कुछ काम का नहीं रहेगा। इसीलिए कहा पहला कंट्रोल मन पर, दूसरा कंट्रोल हमारी आंखों पर, और कहा तीसरा कंट्रोल हमारी जीभ पर। मैं कई बार कहता हूं ये जीभ बड़ी गजब की है, ये आपको राजा बना सकती है, तो ये आपको रंक बना सकती है ताकत जीवा के भीतर, आपको सम्माननीय पूजनीय बना सकती है, ये ताकत जीवा के पास है, तो आपको निंदनीय बना सके, ये ताकत भी जीवा के पास है। ये जीव के भीतर बड़ी गजब की शक्ति रही हुई है, उसका इस्तेमाल हम कहां करते, कैसे करते, कितना काबू हमारे जीवा के ऊपर है। बोलने में भी काबू, और दूसरा काम जीव का दूसरा काम क्या है, भोजन में भी काबू। यदि हम ये समझ, भोजन बिगड़ जाए शरीर बिगड़ जाता है, और वाणी बिगड़ जाए तो संबंध बिगड़ जाते हैं, हर तरह से नुकसान कर सकती है हमें, ये समझ लेना। ये तीन चीजें ऐसी भयानक है, ऐसी खतरनाक है, यदि उसका सही इस्तेमाल कर लो तो आपको कहां से कहां पहुंचा दे, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल आपने करना शुरू कर दिया तो आपको पतित कर देगी। ये ताकत तीन के भीतर है। इसलिए आज के दिन मैं आपको कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर कोशिश करो। आप संयम नहीं ले पाते कोई बात नहीं, आप चारित्र ग्रहण नहीं कर पाते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हम आज से ये प्रयत्न करें, ये पुरुषार्थ करें कि कम से कम तीन चीजों पर हमारा काबू हो। सबसे पहला काबू मन के ऊपर, दूसरा काबू आंखों के ऊपर, और तीसरा काबू हमारी जीवा के। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।